दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका ना तो आज तक कोई आम इंसान पता लगा सका है और ना ही कोई वैज्ञानिक। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है, इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सेंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के लिए आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्ट एलेग्रो एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क ACT यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ACT का संपर्क स्थापित नहीं हो सका। इसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तो विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद दोनों देशों की सरकारें ने मान लिया कि विमान अटलांटिक महासागर के हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर के हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एलेग्रो एयरपोर्ट के ACT यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। ACT ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा। जबकि विमान के पायलट ने ACT से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। ACT ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर विमान बढ़ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। इसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था। ये विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था जिसका विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर गायब हो गया था। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी कि 1956 में ही बंद हो गई थी। इसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि विमान के सीटों पर इंसान के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी, जिसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया। उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाला हैंडल पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टेबलाइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील के सरकार ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए नहीं बताती
कि कहीं लोगों में भय न पैदा हो जाए, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि सच्चाई क्या थी। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी फर्जी और ख्याति पाने के लिए थी। तो दोस्तों, आप इस रहस्यमयी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।